गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं आपको शाम की छोटी सी भूख के लिए घर के ही रखी हुई चीज़ों से ऐसी रेसिपी बनाना सीखूंगी। मैं आपको चाहिए कुछ टमाटर, धनिया, नींबू और प्याज। इसके अलावा घर में जो भी नमकीन रखी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नमकीन। उसके अलावा मट्टी मटरी हो या आपके पास पापड़ी हो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक चॉपर की हेल्प से प्याज को, टमाटर को और धनिया को फाइनली चॉप करेंगे। जैसे आप खाना पसंद करते हो उस तरीके से आप इसको चॉप कर लें, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम एक बोल लेंगे, उसमें आप अपने फैमिली के पर्सन के हिसाब से मुरमुरे ले सकते हैं। ध्यान रहे आपके मुरमुरे जो भी आप लें वो कुरकुरे होने चाहिए। अगर थोड़े सॉफ्ट भी हो गए तो उन्हें आप थोड़े से मतलब गर्म कर सकते हैं कढ़ाई में करके। इसके बाद इसमें मिक्स करेंगे अपनी नमकीन जो भी हमने लिया है, आप आलू भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो मटरी ली थी वो हम इसमें तोड़ कर डालेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खाने में प्रॉब्लम होगी। आप पपड़ी लें उसे भी ऐसे ही क्रश करके डाल सकते हैं। इसके बाद हमने जो चॉपर से वेजिटेबल्स चॉप किया था उसको कोशिश करिए इसका जो पानी है वो निथार कर फिर इसको लें, क्योंकि पानी की वजह से लाई जो है, मुरमुरे जो भी हैं वो सॉफ्ट जल्दी हो सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच टमेटो केचप। अगर आप स्पाइसी के शौकीन हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। उसके बाद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर का यूज़ किया है और लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस। और नींबू का रस डालते ही बस इसको आपको जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है और जितनी जल्दी हो सके इसको सर्व करना है, क्योंकि इसमें कई चीज़ों में है जो कि पानी है तो उसकी वजह से जो मुरमुरे हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें इसको जल्द से जल्द सर्व करें और एंजॉय कीजिए।